यदि कोई ऐसी कंपनी है जो लगभग 7 दशकों से बाजार के हमले से बची हुई है तो वो है वोल्टास। जी हाँ, वोल्टास भारत की सबसे बड़ी एयर कंडीशनर कंपनी है। और अगर आप भी एसी, एयर कूलर, एयर प्योरीफायर, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको वोल्टास कंपनी के मिल जाएंगे। आइए जानते हैं वोल्टास कहाँ की कंपनी है और वोल्टास का मालिक कौन है और अपने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ किस तरह से इस कंपनी ने लगभग 7 दशकों से भारतीय बाजार पर कब्जा किया हुआ है, जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। वोल्टास एक भारतीय कंपनी है जो टाटा सन्स और स्विट्जरलैंड के वॉलकॉट ब्रदर्स द्वारा सन 1954 में मुंबई में शुरू की गई थी। और आज के समय में वोल्टास भारत की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी तो है ही, साथ ही ये और भी कई तरह के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर काम करती है। वोल्टास का मालिक टाटा ग्रुप है और इसी वजह से वोल्टास के प्रोडक्ट्स पर आपको एक टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। वर्तमान में वोल्टास के जो सीईओ हैं, उनका नाम है प्रदीप बख्शी और पूरी कंपनी में 8,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। वैसे तो आपने वोल्टास के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखे होंगे, लेकिन इसके अलावा इस कंपनी के अंतर्गत और भी कई सारे काम आते हैं। वोल्टास ने विदेश के अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप भी किया है, उनके साथ मिलकर और प्रोडक्ट्स बना रही है, साथ ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स और हाई टावर्स में भी एयर कंडीशनिंग का काम करती है। वोल्टास ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज RMS क्वीन मैरी 2, पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान, बहरीन सिटी सेंट्रल मॉल, अबू धाबी का फेरारी वर्ल्ड थीम पार्क और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के लिए एयर कंडीशनिंग वातानुकूलन प्रोवाइड की है, यानी इनमें एयर कंडीशनिंग का काम किया है। वोल्टास वॉल और टास से बना है, जिसमें वॉल लिया गया है वॉल्कन ब्रदर्स से और टास लिया गया है टाटा सन्स से, क्योंकि टाटा ने वॉल्कन ब्रदर्स की मदद से कंपनी बनाई थी, इसलिए इनका नाम वोल्टास रखा गया। वोल्टास कंपनी की स्थापना 1954 में टाटा सन्स और वॉलकॉट ब्रदर्स के सहयोग से हुई। 1991 में जब तक भारत ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को जनरस नहीं किया, तब तक कंपनी भारत के एसी बाजार में एक प्रमुख नाम बनी रही। हाइपर सोशलिस्ट पॉलिसीज के कारण कंपटीशन की कमी का मतलब था कंपनी को बाजार में रेलेवेंट बने रहने के लिए बहुत कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं थी। इसने भारत में बिकने वाले 40% से ज्यादा एसी बनाए। हालांकि लिबरलाइजेशन ने आगे के द्वार खोल दिए, क्योंकि LG, सैमसंग, इलेक्ट्रॉल्स और वर्लपूल जैसे ब्रांड ने वोल्टास को बदलना शुरू कर दिया। जल्दी वोल्टास कंपनी की बाजार हिस्सेदारी एक अंक तक गिर गई। एक क्यूरिकुलम करेक्शन सिस्टम की आवश्यकता थी। पहले से कहीं बेहतर देर से वोल्टास कंपनी ने 1990 के दशक के अंत में चेंजेस लाने शुरू कर दिए। जल्दी इसने बाजार रिसर्च किया और रिसर्च कंज्यूमर्स की बदलती हुई जरूरतों को खोजने पर फोकस्ड किया। इसके अलावा उन्होंने बाजार में उपलब्ध अन्य बड़े नामों के साथ तुलना करके अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर इंट्रोस्पेक्शन भी किया। कंपनी ने पाया इसका डिजाइन अब आकर्षक नहीं रह गया और इसके उत्पाद अब लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग लागत और मार्केटिंग की कमी ने भी कंपनी की प्रतिष्ठा में सेंध लगाई। आगे की राह कठिन थी, लेकिन टाटा समूह के साथ मानवीय रूप से कुछ भी संभव है। वोल्टास कंपनी ने अपने प्रतिस्पर्धाओं को आमने सामने लेने का फैसला किया। पहली समस्या जिसने उसने हल करने की सोची, वो तकनीकी रूप से उन्नत एसी का उत्पादन कर रही थी, साथ ही साथ लागत भी कम कर रही थी, लेकिन इनपुट लागत अधिक थी और कंप्रेसर और कॉपर ट्यूब जैसे घटकों ने वोल्टास की जेब में भारी सेंध लगा दी। इसके अतिरिक्त घटकों को इस तरह से फिट करना कि बेहतर उत्पाद दिखे एक चुनौती थी। ये सब अंतिम उत्पाद को आपूर्ति श्रृंखला में फेंकने की लागत के साथ संयुक्त है, जिसका उपयोग अंतिम लागत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चोट के अपमान को जोड़ते हुए वोल्टास द्वारा बनाए गए एसी को डब्बा के नाम से खराब प्रतिनिधि मिला। उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के लिए वोल्टास ने USA की फेडर्स इंटरनेशनल में प्रवेश किया। अनुसंधान और विकास में लगाने के लिए आवश्यक धन के एक अंश के साथ वोल्टास ने फ्लोरिडा और सिंगापुर में फेडर्स के R&D केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की। ये नए उत्पाद वेरिएंट, उत्पाद प्रचार और अन्य के बीच लॉन्चिंग रणनीतियों के बारे में जान सकता है।
फेडर्स की ओर से वोल्टास ने अपने एसी में शुद्धिकरण फिल्टर, आयोनाइजर और बिजली बचाने के तरीके लाए। कंपनी ने अपनी विनिर्माण सुविधाओं के ठाणे से बदलकर बिक्री कर मुक्त दादरा कर दिया। उपरोक्त सभी प्रयासों ने वोल्टास कंपनी को न केवल बेहतर बनाने में मदद की बल्कि सस्ती दर पर भी मदद की। फेडर्स के साथ समझौता करने के 3 सालों के भीतर वोल्टास ने 1.5 टन एसी सहित उत्पादों की 70 ब्रांच लॉन्च की। वोल्टास एसी की कीमत 20% की गिरावट आई और एसी आम लोगों के लिए सुलभ हो गए, लेकिन इस बार वोल्टास संतुष्ट नहीं हुआ। इसने अपने टर्नओवर का 1% ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाने और अपने गुना को बढ़ाने में खर्च करना शुरू कर दिया। वोल्टास कंपनी ने खुद को औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इस्पात, बिजली और ऑटोमोबाइल कंपनियों, कार्यालय भवनों और परिसरों और परिवहन नेटवर्क, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों के बीच में स्थापित किया था। हालांकि खुदरा व्यापार का विशाल भाग अभी भी एक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ था। भारत में ज्यादातर लोग अभी भी एसी से ऊपर के कूलर पसंद करते हैं, जाहिर तौर पर उनकी कम कीमत के कारण। वोल्टास ने 9,990 रुपए की आकर्षक कीमत पर आकर्षक दिखने वाले एसी के साथ इस सेगमेंट को जीतने का फैसला किया। अब वोल्टास की छवि डब्बा से इंडिया के एसी में बदल रही थी। जल्द ही उन्होंने ये पता लगाने के लिए एक और बाजार रिसर्च किया कि वे भारतीय बाजारों में कितना प्रवेश कर सकते हैं। वोल्टास के कर्मचारियों ने जमीन पर छलांग लगाई और पाया कि अगर किसी तरह उनके एसी बिजली बिल की लागत को 1,000 रुपए तक कम कर सकते हैं तो उनकी कंपनी एक अविश्वसनीय उछाल दर्ज करेगी। कंपनी ने फीडबैक का पालन किया और उपकरण द्वारा खपत बिजली की लागत को कम करते हुए अधिक एफिशिएंसी लाई। मार्केटिंग अभियानों ने वोल्टास कंपनी को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद की। इसी बीच कंपनी ने दर्शकों को इंटरनल चेंजेस से प्राप्त होने वाले लाभों से अवगत कराने के लिए बड़े पैमाने पर मार्केटिंग अभियान भी शुरू किए। इसने ब्रांड निर्माण के लिए लगभग 50 करोड़ और मार्केटिंग के लिए 17 करोड़ का निवेश किया। कंपनी ने इसके विज्ञापन के लिए अपने समय के रॉकस्टार शाहरुख खान को भी काम पर रखा था। तकनीकी पक्ष पर कंपनी ने इंटेलिजेंट कूलिंग नामक एक टैगलाइन लॉन्च की और एक टैगलाइन के तहत लाए गए प्रत्येक परिवर्तन को शामिल कर दिया। मार्केटिंग ने चमत्कार किया और जल्दी वोल्टास अपने विदेशी कॉम्पिटिटर्स के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गया। इसके बाद इसने पूरे भारत को एक बड़े कंज्यूमर बाजार के रूप में देखा। कंपनी ने दर्शकों से कहा कि उसके एसी भारत के हर हिस्से में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जलवायु परिस्थितियों में वैरायटी ने इसकी उपयोगिता पर कोई फर्क नहीं डाला। वोल्टास एसी का इस्तेमाल धूल भरे मौसम में घरों को साफ रखने के लिए, सर्दी और बरसात के मौसम में सूखा रहने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने उन सभी मांगों को पूरा करने के लिए एक विशेष उत्पाद तैयार किया। इसे वोल्ट ऑल वेदर एसी कहा जाता था। उत्पाद इतना कुशल था कि कंपनी को अपने विज्ञापन पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके विज्ञापन सरल लेकिन प्रभावी थे, जिसमें बदलते मौसम से जूझ रहे एक आम भारतीय को दर्शाया गया था। वोल्टास ने दिखाया उसके एसी समाधान लेकर आए हैं। परिवर्तन क्रांतिकारी था, कम से कम कहने के लिए, और 2017 में एलजी ने वोल्टास पर कब्जा करने के लिए अपना स्थान खाली कर दिया। यदि टाटा समूह के ग्राहक संतुष्टि मूल्य को वोल्टास कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया होता तो ये सभी प्रयास रियल चेंज नहीं ला सकते थे। कंपनी ने सबसे पहले कुशल और रिजल्ट ओरिएंटेड डीलरों को जोड़ा और परफॉर्मेंस करने वालों को क्रेडिट एक्सटेंशन और इंसेंटिव के साथ रिवॉर्डेड किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। वोल्टास ने ग्राहक सेवाओं में भी भारी निवेश किया और उसकी बिक्री के बाद ग्राहकों की संतुष्टि किसी भी कंपनी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। सभी सुधारों की लहर पर सवार होकर वोल्टास वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले लगभग 26% एसी का निर्माण करता है, लेकिन ये अभी भी 40% बाजार हिस्सेदारी के अपने रिकॉर्ड से बहुत दूर है। वोल्टास ने जिस तरह से खुद को ढाला है उसमें से 50% भी कंपनी के लिए छोटा लक्ष्य है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हौसले मजबूत हों तो खुद ही मंजिल मिल जाया करती है, और ऐसा ही कुछ टाटा की इस वोल्टास कंपनी ने कर दिखाया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी की सफलता के बारे में, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।